You can see here, ये liquefied acellular components कम है, cajetion हो गया. Same चीज यहाँ पे है, but there is no cajetion, है ना? तो naturally दोनों ही nodules हैं, pulmonary nodules हैं, मगर ये TB का केस है. Cajetion is the feature of tuberculosis. ये कोई fungal nodule हो, fungal infection हो, but this is for TB, Mycobacterium tuberculosis. इन दिस पिक्चर इसमें आप ये देखोगे दिस इज ये आर्टेरियल स्मॉल आर्टरी है आर्टेरियल नॉर्मल है इसमें वही आर्टेरियल का देखिए थिकनिंग इतना ज्यादा हो गया कि इसके लिए बहुत कम पतले हो गए तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी का थिकनिंग लीडिंग टू हाइपरटेंशन अगर थिकनिंग हो जाएगा हाईली थिकेंड आर्टरीज हो गए ना इट विल कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन दिस इज ऑल्सो केस ऑफ हीमोसिड्रोसिस हीमोसिड्रिन एक्युमुलेशन गोल्डन ब्राउन कलर का पिगमेंट्स का एक्युमुलेशन हो तो दैट इज हीमोसिट्रिन हीमोसिट्रिन ये इंडिकेट करता है दिस इंडिकेट सम डैमेज इन द हार्ट सम डैमेज इन द हार्ट लीड्स टू हीमोसिट्रोसिस जो निमोकोनियोसिस था वो सम एक्सटर्नल एजेंट थे जैसे कोल्ड डस्ट वगैरह इनहेल कर लेते हैं मगर ये हीमोसिट्रोसिस ये इंडिकेट करता है कंजेशन हो गया इनसाइड द लंग्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन द हार्ट तो हार्ट के प्रॉब्लम से हीमोसिड्रिन लेड एंड मैक्रोफेजेस हीमोसिड्रिन का एक्युमुलेशन दिख रहा है आपको इनसाइड द लंग ठीक है दिस इज वेरी गुड पिक्चर ऑफ निमोनिया इसमें सब कुछ है एक निमोनिया के लिए क्या है अब देखो सारे जो एल्वेलाई के स्पेसेस है सब पिंक दिख रहे ठीक है इसका मतलब एक्सुडेट्स है निमोनिया में तो होता है एल्वेलर ल्यूमेन फिल्ड विद एक्सुडेट्स प्लस इन्फिल्ट्रेशन सारे पिंक हो गए ठीक है अब इसके जो सेप्टा है उसमें देखिए रेडनेस बहुत है आरबीसीज बहुत है दैट इंडिकेट्स सीवियर कंजेशन ठीक तो एक्सुडेशन दिख रहा है आपको कंजेशन दिख रहा है आपको ब्लड वेसल सीवियरली कंजेस्टेड दिख रहा है प्लस सराउंडिंग एरिया में इन्फिल्ट्रेशन ये इन्फिल्ट्रेशन ये इन्फिल्ट्रेशन ये इन्फिल्ट्रेशन जितने ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं अदर देन एल्वियोलर सेप्टा दैट इज ऑल इन्फिल्ट्रेशन ये ब्रोंकियोल है जिसके अंदर है पूरा इन्फिल्ट्रेशन इनसाइड द ब्रोंकियोल ठीक है इट इज ए गुड पिक्चर ऑफ निमोनिया ये एब्सेस दिस इज एब्सेस कंप्लीटली फिल्ड विद पस सेल्स जितने भी व्यू में जितने भी सेल्स है दैट इज ऑल पस सेल्स 100% पस सेल्स तो केस ऑफ लंग एब्सेस ठीक है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन लोबार निमोनिया लोबुलर निमोनिया और इंटरस्टिशियल निमोनिया ठीक है लोबार निमोनिया के मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज लंग ये लंग इसके डिफरेंट लोब्स होते हैं एक लोब ये हो गया एक लोब ये हो गया एक लोब ये हो गया अपर लोब मिडिल लोब कॉडल लोब क्रैनियल लोब मिडिल लोब कॉडल लोब इस तरह के लोब्स होते हैं इन केस ऑफ लोबार निमोनिया पूरा एक लोब इन्वॉल्व होल लोब इन्वॉल्व ऐसा नहीं कि इस लोब में थोड़ा कहीं कहीं पे एक पूरी होल लोब का कंसोलिडेशन हो जाता है उसमें एक्सुडेशन होता है निमोनिक हो जाता है उसको हम बोलते हैं लोबार निमोनिया और रेस्पॉन्सिबल एजेंट जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस क्लेबसिल्ला ये सब ज्यादा होते हैं ठीक है और जो मैं आपको पढ़ाता हूँ या आपने एजी में पढ़े होंगे स्टेजेज ऑफ निमोनिया उसमें आपने पढ़ा होगा स्टेज ऑफ कंजेशन स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन ये पढ़ चुके हो ठीक है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे तो जो हम लोग क्लासिकली आपको यूजी में पढ़ाते हैं कि लोबार ये निमोनिया के ये स्टेजेस हैं तो दैट इज फॉर लोबार निमोनिया ब्रोंको निमोनिया भी होता है लोबुलर निमोनिया भी होता है लेकिन इन केस ऑफ यूजी में आपने पढ़े होंगे कंजेशन स्टेज ऑफ कंजेशन रेड हेपेटाइटिस ग्रे हेपेटाइटिस रेजोल्यूशन तो ये ज्यादा फिट होते हैं लोबार निमोनिया है ना मगर इन केस ऑफ लोबुलर निमोनिया जो एनिमल्स में कॉमन है एनिमल्स में बहुत एनिमल्स के केस में ज्यादा लोबुलर निमोनिया कॉमन है ब्रोंको निमोनिया इज मोर कॉमन इन एनिमल्स और जो स्टेजेज में आपको पढ़ाता हूँ उसमें जो चार स्टेजेज है वो ज्यादा सुटेबल है फॉर लोबार निमोनिया एनिमल्स में लोबार निमोनिया बहुत ही रेयर लोबुलर निमोनिया बहुत फ्रिक्वेंटली पाया जाता है इसी स्टेजेज को हम लोग लोबुलर निमोनिया पढ़ाते हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है स्टेज ऑफ कंजेशन स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइटिस ग्रे हेपेटाइटिस
एंड इजोलेशन। तो फर्स्ट डे अगर निमोनिया का केस में फर्स्ट डे पे कंजेशन होता है, रेड हो जाता है लंग्स, सेकेंड डे होते होते तक उसमें उसका कंसिस्टेंसी लीवर लाइक हो जाता है, हार्ड हो जाता है और रेड हो जाता है, फोर्थ डे आते आते तक उसमें ग्रे अपीयरेंस हो जाएगा ड्यू टू लाइसिस ऑफ द आरबीसी और उसका जो कंसिस्टेंसी लीवर की तरह ही रहता है और फाइनली वो रिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा विद इन 8 डेज, वो नॉर्मल हो जाते हैं अगर नॉर्मल होना है तो। स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन विद इन 8 डेज ठीक हो जाता है, उस समय तक मैक्रोफेजेस पहुंच जाते हैं और हाईली आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूती से काम करता है और कंडीशन को ठीक कर लेता है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा डिटेल समझना चाहूँ तो फर्स्ट इज स्टेज ऑफ कंजेशन, तो विद इन फर्स्ट से सेकेंड डे तक इस स्टेज में रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द लंग्स विल अपीयर हैवी, हार्ट, रेड एंड फॉर्म। ठीक है, इसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो लंग जैसा ही होता है स्पॉन्जी, थोड़ा हार्डनेस आएगा लेकिन लीवर की तरह नहीं मिलेगा हार्डनेस, लीवर का अलग ही कंसिस्टेंसी होता है लेकिन कंप्लीट रेड हो जाता है। क्यों? ड्यू टू कैपिलरीज के सीवियर इन्वॉल्वमेंट, सारे ब्लड कैपिलरीज भर जाते हैं, इमेज में देखेंगे आप तो ऐसा होगा। ठीक है, रेड रेडनेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आरबीसी। स्टेज ऑफ रेड हिपेटाइजेशन, यहाँ रेडनेस भी होगा प्लस इतना कॉन्सोलिडेटेड हो जाएगा कि जस्ट लाइक लीवर एपीयरेंस। ठीक है, और इसे फेब्रिन का एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगा, फेब्रिन फॉर्मेशन। स्टेज ऑफ ग्रे हिपेटाइजेशन, फिफ्थ टू सिक्स डे में जो आरबीसी जमा हुए थे उसका लाइफ स्पैन टूट जाता है, टूटने के बाद उसका रेडनेस खत्म हो जाता है, ग्रे एपीयरेंस आ जाता है, लेकिन अभी भी ये दिखेगा लीवर कंसिस्टेंसी की तरह। डायलिटेशन ऑफ द कैपिलरीज इतने नहीं होंगे इसलिए रेडनेस भी नहीं होगा, और कमिंग टू 7 to 8 days रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो आपके फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो सब खा जाते हैं, जितने भी टूटे फूटे चीजें हैं उसको मैक्रोफेजेस इंगल्फ करके हटा देते हैं, एग्जिटेशन हट जाता है और पेशेंट फिर से ठीक होने लगता है। तो इट वॉज ऑल अबाउट लोबार न्यूमोनिया, ये लोबुलर न्यूमोनिया, दिस इज ब्रोंको न्यूमोनिया मतलब लोबुलर न्यूमोनिया। इसमें एक लोब इन्वॉल्व नहीं होता, एक लोब में छोटे छोटे हिस्से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ये पूरा लोब है, ये पूरा लोब में प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैची हो गया, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया, लेकिन ये देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एरिया नॉर्मल है। अगर पूरा इन्वॉल्व हो जाता तो हो जाता लोबार, लेकिन डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होगा तो डेट इज ब्रोंको या लोबुलर न्यूमोनिया। इस डायग्राम में देख रहे हो आप कहीं कहीं पे है, कहीं नॉर्मल है, कहीं नॉर्मल है, कहीं है, तो डेट इज ब्रोंको न्यूमोनिया, लोबुलर न्यूमोनिया। ठीक है, तो ब्रोंको न्यूमोनिया में क्या होता है, पैची कंसिडरेशन होता है, पैच में, इस डायग्राम जो ये ब्राउन कलर से दिखा हुआ है इस तरह से पूरा लोब में नहीं होगा, जो व्हाइट है दैट इज नॉर्मल, ये जो पैचेस दिख रहे हैं दैट इज। ठीक है, डायग्राम आप देख रहे हो कि लोब में एरियाज हैं जो अफेक्टेड है, पूरा आपको पूरा लंग्स का भी इन्वॉल्व नहीं होता, पूरा का पूरा लोब इन्वॉल्व नहीं होता, तो दैट विल द केस ऑफ लोबार लोबुलर न्यूमोनिया, जिसको ब्रोंको न्यूमोनिया बोलते हैं। अगर इस पूरे लोब को मैं कर दूं ब्राउन दैट इज बिकम द लोबार न्यूमोनिया। ठीक है, लोबार न्यूमोनिया और लोबुलर न्यूमोनिया में ये बेसिक डिफरेंस है, पैची होता है, डिफ्यूज होता है और अक्सर अक्सर बाइलेटरल होता है, लोबार निमोनिया होता है अक्सर यूनिलेटरल होता है, दोनों लंग्स में नहीं होगा, लेफ्ट या राइट लंग्स का कोई एक लोब इन्वॉल्व होगा। इन केस ऑफ ब्रोंको निमोनिया लेफ्ट और राइट दोनों में देखेंगे लेकिन टोटली लोब इन्वॉल्व नहीं होगा, लोब के छोटे छोटे हिस्से इन्वॉल्व, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली लोअर पार्ट ऑफ द जो लोअर लोब्स होते हैं उसमें ज्यादा दिखते हैं। तो जितने आसानी से आप लिख देते हो ब्रोंको निमोनिया उतना आसान नहीं है, उसको देख के समझना चाहिए आपको। ज्यादातर केसेस इसके चेंजेस दिखेंगे लोअर पार्ट ऑफ द लंग लोब्स में और पैची हो, ठीक है, कंप्लीट लोब्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। तो अभी तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे व्हाट इज लोबार निमोनिया एंड व्हाट इज ब्रोंको निमोनिया, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ब्रोंको निमोनिया इज मोर कॉमन इन एनिमल्स, ह्यूमंस के केस में लोबार निमोनिया ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, ये डायग्राम ब्रोंको निमोनिया का, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, उसके अंदर देखिए सीवियर एग्जिटेशन, सीवियर इन्फिल्ट्रेशन, सीवियर कंजेशन, सीवियर इन्फिल्ट्रेशन, डिस्टेंडेड एल्वियर स्पेसेस, दिस इज ब्रोंको निमोनिया। ये भी वही चीज है, उसका और इनलार्ज फोटोग्राफ है, पूरा ब्रोंकाई के अंदर इन्फिल्ट्रेशन, सारे कैपिलरीज एंगोज्ड है, कंजेस्टेड है, आरबीसीज सॉरी न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स का एक्युमुलेशन, प्लस जो न्यूट्रोफिल्स आए हैं उसका डिजेनरेशन है, तो पसल्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन ब्रोंको निमोनिया सुपरेटिव एक्सुडेट्स होते हैं,
ब्रोंको निमोनिया की पहचान है, देखिए सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन मतलब पस फॉर्मेशन, डीजेनरेटेड न्यूट्रोफिल्स पस सेल्स का प्रेजेंस इनसाइड द ब्रोंकाई, अब देख रहे हैं पस सेल्स है। जब इतना कुछ दिखेगा देन इट इज कॉल्ड एज ब्रोंको निमोनिया, ठीक है, ब्रोंको निमोनिया एंड लोबार निमोनिया। यूजुअली एक्सट्रीम एज में ब्रोंको निमोनिया होता है इधर इन इन्फेंसी और ओल्ड एज, और लोबार निमोनिया यूजुअली मिडिल एज ह्यूमन के केस के लिए है, बेटे के लिए। ब्रोंको निमोनिया सेकेंडरी और लोबार निमोनिया प्राइमरी इफेक्ट है, ठीक है। इसमें पैची कॉन्सोलिडेशन होता है थोड़े थोड़े जगह, अरे पूरे के पूरे लंग्स को इन्वॉल्व, लोब्स को इन्वॉल्व कर लेता है, इंटायर लोब कॉन्सोलिडेटेड हो जाता है, ठीक है। ये बायलैटरल होते हैं यूजुअली, और ये यूजुअली यूनिलैटरल होता है, एक लंग एक साइड का लंग इन्वॉल्व होगा, इसमें दोनों साइड के लंग्स इन्वॉल्व। नॉट लिमिटेड बाई एनाटोमिक बाउंड्रीज, क्योंकि ये पैची है तो कोई क्लियर कट एनाटोमिक बाउंड्री नहीं होगा, डिमार्केशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पता इसलिए हो जाता है कि एक लोब पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरा लोग ठीक है, एक लोग खराब है, तो एक लिमिटेशन हो जाता है एनाटॉमी, एक एनाटॉमिकल बाउंड्रीज बन जाती है। तो लोबुलर निमोनिया और लोबार निमोनिया ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम से भी अच्छा दिख रहा है आपको, देखो ये एक लोब है, लोअर लोब आउटर लोब, ये पूरा का पूरा इन्फ्लेम्ड हो गया, तो डेट इज लोबार निमोनिया। अब इसमें देखिए पूरा का पूरा नहीं हुआ है, पैचिज नहीं हुआ, छोटे छोटे स्पॉट्स नहीं हुए, तो डेट इज लोबुलर निमोनिया या ब्रोंको निमोनिया, ठीक है। इस डायग्राम में ये साइड वाला देखिए पूरा का पूरा इंगेज्ड है, एक पूरा लोब ही इंगेज्ड है, ठीक, विद क्लियर एनाटॉमिक बाउंड्री, इधर नॉर्मल इधर एबनॉर्मल, दिस इज लोबार निमोनिया। इसमें देखो पैचेज में यहाँ है यहाँ है यहाँ है, बीच में नॉर्मल से नॉर्मल है, पैचेज में चेंजेज है, दिस इज लोबार निमोनिया, ठीक है। ऐसा पहचान, ये भी सिंपल निमोनिया का ही पिक्चर है, अच्छा पिक्चर है। तो अदर देन लोबार निमोनिया रेगुलर निमोनिया एक और चीज होता है इंपॉर्टेंट, डेट इज इंटरस्टिशियल निमोनिया। मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल निमोनिया चेंजेस कम होते हैं एल्वोलाई लुमेन में, बेसिक चेंजेस प्राइमरी चेंजेस सेप्टम में, एल्वो सेप्टम। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, ये लुमेन है वो नॉर्मल है, ऑलमोस्ट नॉर्मल है, थोड़े बहुत नेचुरली एक्सिटेशन होगा सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी चेंजेस यहाँ पे सेप्टम में सीवियर इन्फिल्ट्रेशन लिम्फोसाइट्स के, ठीक है। इसका मतलब है इंटरस्टिशियल निमोनिया, इसके एल्वोलाई ठीक है या थोड़े बहुत चेंजेस, इसके बाद में चलिए यहाँ पे इतना डैमेज होगा तो कुछ चेंजेस एल्वोलाई में हो जाएगा, लेकिन मेजर चेंजेस इसके सेप्टम है, दैट इज इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। लोबार निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया और लेबुलर निमोनिया एंड इंटरस्टिशियल निमोनिया, तीन डिफरेंट केस है, इनकी एटियोलॉजी भी ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और जैसा मैंने अब चेंजेस बताया कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं माइक्रोस्कोपिकली, कैसे पहचानते हैं, उसका एक स्लाइड अभी तक मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल निमोनिया, जो इंटरस्टिशियम में इंफ्लेमेटरी चेंज होंगे लिम्फोसाइट्स का, एल्वियल को वॉल में मिलेगा इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, और इसे पैची इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्वियोलाई होता है, इसमें डिफ्यूज होता है, लंग्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो ये ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। निमोनिया के अदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं एब्सेस, प्लोराइटिस, इम्पाइमा मतलब पस फॉर्मेशन, सेप्टिशीमिया या ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट एब्सेस जैसे हैं ये एब्सेस, ठीक है, दिस आर एब्सेस, लॉस सेक्शन कर लिया आपने लंग्स का, आपने देख रहे हो कि एब्सेस दिख रहे हैं। अब इसी के हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो अब देखोगे कि द एरिया वेर एब्सेस इज फाउंड उसमें 100% फिल्ड विद द पस सेल्स, इतने पस सेल्स होंगे कि पूरा बैकग्राउंड ही आपको नहीं दिखेगा, डीजेनरेटेड न्यूट्रोफिल्स पस सेल्स भरे हुए हिस्टोपैथोलॉजी, तो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ लंग एब्सेस, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट लंग पैथोलॉजी, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो, अदरवाइज आपका ये पूरा होगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस।